नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू अपाची 180 के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करेंगे अपाची 180 एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। और फ्रेंड्स, जो भी कन्फ्यूजन है आपका वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ओवरऑल जो भी गाड़ी की डिटेल्स हैं वो जो भी आपको मतलब प्राइस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। 177.4 cc का आपको गाड़ी का इंजन मिलता है। 16.62 PS की आपको पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 8500 के RPM में। 15.5 Nm का गाड़ी का टॉर्क दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 6500 के RPM में। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ड्राइव टाइप के बारे में, तो आपको गाड़ी के अंदर चेन ड्राइव दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर आपको गाड़ी के अंदर एक मिलता है और वेव्स पर सिलेंडर आपको गाड़ी के अंदर दो दिए जा रहे हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम आपको गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर फ्यूल सप्लाई सिस्टम दिया जा रहा है। फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और IDI ड्यूल मोड डिजिटल इग्निशन आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आपको दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के माइलेज के बारे में, तो 45 किलोमीटर पर लीटर का आपको गाड़ी का माइलेज मिलेगा और 114 किलोमीटर पर आवर की आपको गाड़ी की टॉप स्पीड दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के फ्रंट टायर के बारे में, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्क विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जा रहा है, वो भी ड्यूल चैनल ABS आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। और आप जो ये डिस्क देख रहे हैं गाड़ी की, वो आपको रोटो पेटल डिस्क दी जा रही है, और यही डिस्क आपको TVS एंटोर्क में भी मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको टेलीस्कोपिक फोर्क विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स गाड़ी के अंदर फ्रंट सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के टायर के बारे में, तो आपको एलो व्हील्स के साथ में ट्यूबलेस टायर गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के रियर टायर के बारे में, तो आपको रियर टायर के अंदर भी 17 इंच का रियर टायर मिलता है सबसे पहले तो फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक दिए जा रहे हैं, वही रोटो पेडल डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं, एलो व्हील्स आपको मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस बिलेट स्ट्रोक्स विथ स्प्रिंग एड आपको सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, जिसको MIG सस्पेंशन कहा जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और ये भी आपको गोल्डन कलर के अंदर इसका जो फिनिश दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं सस्पेंशन। और गाड़ी को अगर आप दूर से देखें अगर, तो आपको स्पोर्टी व्हील गाड़ी के अंदर बिल्कुल आएगा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो आपको 2085 mm की लेंथ दी जा रही है। गाड़ी की अगर वृत्त की फ्रेंड्स बात करें, तो 730 mm की आपको वृत्त मिलती है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको 1105 mm की गाड़ी की हाइट दी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल व्हील बेस के बारे में, तो आपको 1326 mm का गाड़ी का व्हील बेस दिया जा रहा है। सीट हाइट की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो आपको सीट हाइट मिलती है 790 mm की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर की दी जा रही है। और गाड़ी का जो ओवरऑल कर्ब वेट जो आपको मिलता है, वो आपको 137 kg का दिया जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो डायमेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की बैटरी के बारे में, तो आपको 12V 9 AH की बैटरी दी जा रही है गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की चेजिस टाइप के बारे में, तो आपको डबल क्रेडल सिंक्रो स्टीव चेजी दी जा रही है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ में हेलोजन हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके ABS सिस्टम के बारे में, तो आपको ड्यूल चैनल ABS दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से एक्टिव होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें सेंसर्स के बारे में, तो 1 से 2 सेकंड के अंदर सेंसर्स अपना काम कर लेते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो एक्टिव हो जाते हैं। और आपको ड्यूल डिस्क मिलती है, जो कि वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा गाड़ी के अंदर। साथ ही फ्रेंड्स बात करें मिरर्स के बारे में, तो आपको ड्राइवर फ्रेंडली मिरर दी जा रही है। बैटरी ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, पावर स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें मीटर के बारे में, तो आपको यहाँ पर इंजन
कि वार्निंग का ऑप्शन दिया गया है, बैटरी वार्निंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, ABS वार्निंग का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, ABS की लाइट आपको यहाँ पर दी गई है। और अगर फ्रेंड्स बात करें फ्यूल इकोनॉमी के लाइट के बारे में तो आपको यहाँ पर मिलती है, साथ ही फ्यूल मीटर आपको यहाँ दिया जा रहा है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर मिलता है, टाइमिंग आपको यहाँ दी गई है और टोटल किलोमीटर ड्राइवन का ऑप्शन आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर दिया गया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें सेट और मोड के बारे में तो फ्रेंड्स आपको दोनों बटन यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें न्यूट्रल लाइट के बारे में तो फ्रेंड्स आपको यहाँ दी गई है, और जो भी लाइट्स हैं वो सारी आपको इस पैनल के अंदर दी जाती हैं जो कि डिजिटल, और यहाँ पर आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको गाड़ी के अंदर दी जाती है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके एयर वाइज़र के बारे में तो आपको ये कट एयर वाइज़र दिया जाता है जो कि पुरानी अपाची 180 के अंदर नहीं आता था। और अगर फ्रेंड्स बात करें पासिंग स्विच के बारे में तो आपको यहाँ पर दिया गया है, और फ्रेंड्स आपको हेड बीम्स एडजस्टेबल का बटन यहाँ पर मिलते हैं, इंडिकेटर्स के बटन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, और जो इसका हॉर्न है उसका बटन आपको यहाँ पर मिलता है जो कि एक बहुत ही बिग साइज़ का हॉर्न है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको अपाची का लोगो यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट में दिया जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी है। और अगर फ्रेंड्स बात करें RTR की वेजिंग के बारे में तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की वार्निंग्स के बारे में तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वार्निंग दी गई हैं, और जो बॉडी ग्राफिक्स है वो नॉर्मल बॉडी ग्राफिक्स आपको गाड़ी के अंदर दी जाती है, TVS रेसिंग की वेजिंग आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर मिलती है, साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी फेक कार्बन फाइबर फिनिश दी जाती है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें टेल लाइट्स के बारे में तो आपको यहाँ पर LED टेल लाइट्स दी जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग टेल लाइट्स आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। और अगर फ्रेंड्स बात करें वुमेन फुटरेस्ट के बारे में तो आपको एक्सेसरीज में दिया जाता है, और अगर फ्रेंड्स बात करें मैंस फुटरेस्ट के बारे में तो आपको मैंस फुटरेस्ट के साथ में RTR के अंदर, मतलब RTR के साथ में लिखा हुआ RTR, और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हीट गार्ड दिया जाता है जो कि एक स्टील ट्रीटमेंट में है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और अगर फ्रेंड्स बात करें ड्राइवर पोजीशन के बारे में तो इंजन से दूर होने के कारण आपको यहाँ पर हीट गार्ड नहीं दिया गया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। इंजन से दूर है इस वजह से आपके शूज़ जलने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो एक तरीके से इसके लिए TVS को मेरा थम्स अप है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में गाड़ी के अंदर एक एक जगह पर क्या क्या ट्रीटमेंट देना है TVS से अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। और फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही A1 गाड़ी बनाई गई है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर भूल गया था वो है इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का स्विच, वो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और ये जो स्विच दिया है वो आपके हाथ में दिया गया है, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है। आपको यहाँ पर कोई ABS का स्विच नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर दिया जाता है जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया पोजिशन पर लगा। इसके लिए भी TVS को एक और थम्सअप मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत ही सही समझ के और यहाँ पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का बटन दिया गया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी गई है, और TVS आज की तारीख में एक ग्रो करने वाली कंपनी है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, पॉपुलर से पॉपुलर प्रोडक्ट्स निकालता जा रहा है, 200, 4V, 164V, रेडियन, एंटोर्क, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं, जुपिटर ग्रैंडे एडिशन निकाल दिया, साथ ही में ये ABS के अंदर निकाल दी अपाची 180, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। और आपको ड्यूल चैनल ABS इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है TVS के लिए। और कह सकते हैं कि अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। और फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि मैं इस गाड़ी को 5 out of 5 star देना चाहूँगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी से लगा के हर चीज़ के ऊपर। और साथ ही में फ्रेंड्स प्राइस जो है इस गाड़ी का वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्राइस रहेगा और आपकी जो सिटी है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही अपाची 180 के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, आपका प्यार हमें दीजिए, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें आपकी लिखिए, क्या गाड़ी में पसंद आया, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, सब कुछ हमें कमेंट्स में बताएं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स के बारे में आपको जो जानकारी मिली है वो किस तरीके से वीडियो में, सब कुछ हमें बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम गणी खम्मा।